फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की हमारी रेसिपी रक्षाबंधन स्पेशल है, जिसका नाम है काजू चॉकलेट बर्फी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इसमें हमने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, इसलिए बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। क्योंकि हम बहुत सारी मिठाई लाते हैं लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती है, उसमें ये है वो है, बहुत से कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन चॉकलेट रहेगा तो बच्चों को वो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं काजू चॉकलेट बर्फी। तो सबसे पहले हम इसकी सामग्री देखते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी काजू, 1/2 कटोरी शक्कर, 2 टेबलस्पून घी, 1 कटोरी कंपाउंड चॉकलेट, मतलब 50 ग्राम कंपाउंड चॉकलेट है, ड्राई फ्रूट्स 2 टेबलस्पून, दूध 1 कटोरी और मिल्क पाउडर, इस कटोरी से 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, मतलब जितना काजू है उससे डबल मिल्क पाउडर। तो सबसे पहले हम काजू की पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 मिक्सी का जार और इसमें काजू डाला है और 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। दूध लगेगा तो और डालेंगे और इसकी हमें बनानी है पेस्ट। तो इसे हम मिक्सर में अभी चला लेते हैं। तो देखिए काजू की पेस्ट बना ली है और इस तरह से हमें इसकी फाइन पेस्ट बनानी है। तो ये पेस्ट के लिए दूध मैंने अलग से लिया था। अब हमने एक पैन लिया है और इसमें हमें डालना है 1 कटोरी दूध, 1/2 कटोरी शक्कर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। अब हमें इसे मिक्स करना है। तो देखिए इसे मिक्स किया है। अब हमें इसमें मिल्क पाउडर डालना है, तो थोड़ी थोड़ी मिल्क पाउडर डालना है, नहीं तो इसमें लम्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी मिल्क पाउडर डालकर इसे हमें मिक्स करना है। तो देखिए मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ी थोड़ी काजू की पेस्ट डालनी है और उसे भी मिक्स करना है। हमने पैन को गैस के ऊपर नहीं रखा है क्योंकि पहले हमें इसी तरह से मिक्स करना है। तो देखिए मैंने इसे 8-10 मिनट तक इसी तरह से फेंट लिया है अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं गैस की ओर। अब अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हमने पैन को गैस के ऊपर रखा है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब तक बैटर गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे चलाना है। थोड़ा सा गर्म होने तक गैस की फ्लेम बढ़ा देंगे और गर्म होने के बाद हम फ्लेम कम कर देंगे। देखिए मिश्रण अच्छी तरह से तैयार हो गया है और आप देखिए इस घी भी छूटने लगा है, एक जगह पे जमा हो गया है, इसका मतलब हमारा मिश्रण अब तैयार हो गया है। तो आधा मिश्रण हम निकाल लेंगे। और आधे मिश्रण में हम डाल देंगे कंपाउंड चॉकलेट और इसे भी हम अभी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए चॉकलेट का मिश्रण भी तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और
ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो मिश्रण को मैंने ठंडा कर लिया है और एक डिश में निकाल लिया है और इसके इस तरह से दो गोले बना लिए हैं। अब मैंने फॉइल पेपर लिया है और इसके ऊपर हमें चॉकलेट का जो डो है उसे रखना है। तो देखिए, अगर आपके घर पे चॉकलेट नहीं है तो आप उसकी जगह पर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे हमें हल्के हाथ से बेलना है। आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को चॉकलेट बहुत ही पसंद रहती है इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट मेल्ट करके डाला है। तो देखिए, इतना थिक मैंने इसे बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और इसका अब हमें इस तरह से रोल तैयार करना है। बढ़िया। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा डो रखेंगे। इसको थोड़ा सा घी लगाया है और इसे भी हमें बेलना है। इसे हमें अब पतला बेलना है। तो देखिए, इसे मैंने पतला बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये पहला वाला रोल इस तरह से, और इस तरह से अब हमें इसे धीरे धीरे से रोल करना है। इसे भी हम साइड से पैक करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रोल तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से इसे कट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया मिठाई तैयार हो गई है। आप इसे मिठाई कहिए, बर्फी कहिए या रोल कहिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें हमने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।